हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है ऐसा नहीं है। आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स या इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। और एक बात आपको मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की योजना ये हम कैसे बना पाते हैं। आपको ध्यान होगा हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में, हमारा अपना प्रांतीय हरियाणा, जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूं। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं, वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए, तो उन रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके रोजगार मेले लगा करके, कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे उसमें HKRN के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है, तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहां तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया 9,000 रुपया से हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं, हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की, और उन मेलों में उन्होंने जाकर के पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। तो इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को कैसे काम मिल जाए, इसका हम लगातार प्रयत्न करते हैं। मित्रों, पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार मिले हैं, लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका लाभ, बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाए तो सबसे ज्यादा नौकरी हमने दी है। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। अब ये अलग बात है कि क्लेम करने में कोई कितना ही क्लेम करे, मैं भी पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात मैं सुन रहा था उनकी बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख तो अध्यापक लगा दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुल 10 साल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने की है। मैं कभी ना कभी उनके आमने सामने बैठ करके भी इस बात का और खुलासा करने वाला हूं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और उन नौकरियों में उन्होंने नौकरियां लगाने का प्रयत्न किया होगा। लेकिन